आप लोग फिर हिस्ट्री में रहेंगे, आपको लोग किताबों में पढ़ाया करेंगे कि एक भारत था। अगर ये स्टेप आपने कभी सोचा भी हाँ, इनका और इनका तो मेरे ख्याल से वोट बैंक की उसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जितना वो एंटी पाकिस्तान बोलेगा, इतना एंटी मुस्लिम का वोट निकाल दे बीजेपी का, इलेक्शन में हार जाएगा वो बंदा। आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रखा है, कश्मीर के कुछ हिस्से पर जिस पर आपने कब्जा कर रखा है। इंशाल्लाह मैं आपको एक बात बताऊं, नए आर्मी चीफ आ रहे हैं अच्छा। उनके रिजिम में हम उसको भी आजाद करवा लेंगे। और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो दोस्तों पहला पार्ट आपने देख ही लिया है, पहला पार्ट का ये नेक्स्ट पार्ट है। ये वाला वीडियो जो आपने देखा ये इसका पहला पार्ट था। मैंने वीडियो के लास्ट में भी बोला था कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों वीडियो का लिंक एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जहां वीडियो खत्म हुआ था ये वीडियो वहीं से शुरू करते हैं। ये हमारी प्यारी दुलारी फिजा खलीफा का न्यूज वीडियो ये, तो आप न्यूज का मजा लीजिए, आपका भाई मिलेगा आपको आखिरी में। ठीक है, सऊदी अरब ने कहीं कहा है बात? आप तो सेक्युलर देश का दावा करते हैं मेरे भाई, आप कहते हैं कि यहाँ पे मिनोरिटीज सारी आजाद हैं और आपके अपने लोग, मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी अर्जी पे ही समाप्त कर रही होगी ना, हेयरिंग कर रही होगी आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपके इंडियन मुस्लिम ही गए होंगे ना वहाँ पे, पाकिस्तानी तो नहीं हमने यहाँ से भेज दिए होंगे कि आपकी सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, तो आखिर उनके साथ कुछ हुआ है तो वो गए हैं ना। ये देश कानून व्यवस्था से चलता है, हर एक को अधिकार है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, उसके पास अधिकार है, वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा सकता है। आपने कहा कि आपके यहाँ के कोर्ट बायस्ड है, अगर बायस्ड होता तो पहले ही नजर में उसकी याचिका को ठुकरा दिया जाता। ये इसीलिए मैं आपको दलील दे रहा हूँ, हाँ। ये कोर्ट हिंदुस्तान का जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो लॉ एंड ऑर्डर और संविधान से चलता है, वो आपके जैसा नहीं अच्छा। है कि आंखें बंद करके चल रहा है, बिल्कुल आप समझिए इन बातों को। बता रहे डिसीजंस तो इसके मुनाफी नजर आते हैं। अच्छा इसमें मजे की बात डॉक्टर साहब, पता क्या है, ये नीरज जो बता रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट होनी ऐसी ही चाहिए जैसे ये बोल रहे हैं, और इनकी ख्वाहिश भी ऐसी होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी की होनी चाहिए, जैसे हर अदालत जो भी जिस मुल्क में, लेकिन हकीकत बरक्स है ना जो बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर कश्मीर पे 5 अगस्त का इंसिडेंट होता है, हियरिंग जाती है, वो महीनों चलती रहती है, उसका डिसीजन नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली रूट्स के मामला जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ फैसले जो होते हैं वो महीनों चलते रहते हैं, वो जेलों में सड़ते रहते हैं, नहीं होता। अर्णब गोस्वामी को फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाता है, बुला के कि आ जाए भाई हम आपके लिए बैठे हुए हैं। तो ये जजमेंट्स जो होती है ना नीरज भाई, आपको कोई कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगी, मैं यकीन से कहता हूं कि आपके संविधान में भी ये होगा कि जो जजमेंट है आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये आपकी सोसाइटी के लिए बेहतर है। तो अगर आपको ये लग रहा है, एज अ सहाफी आपका किरदार है, एज अ जर्नलिस्ट कर सकते हैं कि भाई ये चीजें गलत हुई, मुझे लगता है कि ये नहीं है। ये तो नहीं हो सकता ना कि सारे मामला अच्छे हों, अगर हमारे यहाँ कोई जजमेंट आती है तो हम उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाजत देता है। तो आपके यहाँ भी अगर कोई चीज ऐसी आई है तो उसको अगर आप बोल देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो ये राइट आपको दिया होगा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। जी जी नीरज, मैं बताऊं, जी देखिए मैं आपको बताऊं, पेशे के साथ इंसाफ भी होगा आपकी सहाफत के पेशे के साथ अगर आप सही बात करें। इस देश का संविधान कैसा है कि एक इंसान तो छोड़िए, एक शैतान के लिए भी सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुल जाता है। याद कीजिए दाऊद इब्राहिम को, उस भाई जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट आधी रात को, ये देश ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आपने एक ओरिएंटेशन बना रखा है इस कंट्री के बारे में, लेकिन यह देश उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है जिसका जो आप सोच रहे हैं। एक आदमी के लिए अगर देश, अगर सुप्रीम कोर्ट रात को खुल सकता है, तो इंसान के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खुल सकता? आपने कहा कि दिल्ली दंगा को लेकर अभी तक सुनवाई जारी है। भाई हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि पहले लोअर कोर्ट में सुनवाई होगी, लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो स्वाभाविक है कि उसमें टाइम होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले हैं, ये सिस्टम दिखाई नहीं देता मेरे भाई। नहीं ऐसी बात नहीं, बाइस्ड हो गया ना फिर सिस्टम। नहीं बाइस्ड नहीं, स्पीडी ट्रायल हो जाता है। बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जिस पर तुरंत सुनवाई की बताते हैं कि बाइस्ड है। अच्छा नीरज भाई, मुझे एक चीज का जवाब समझा दीजिए कि क्या भारत में
कभी नरेंद्र मोदी जो कि आपके प्रधानमंत्री, आप हमें कहते हैं ना, चाहे वो इमरान खान हो चाहे अभी कोई भी सरकार हो, अगर कोई एक्सट्रीमिज्म का वाकया होता है तो प्राइम मिनिस्टर उसको कंडेम करता है, उसके exactly, ऊपर हाँ. बाहर आके लोगों के साथ खड़ा होता है कि भाई ये गलत हुआ है. हाँ. नरेंद्र मोदी ने आज तक मुसलमानों के जो मामलात होते रहे गुजरात से लेकर अब तक कभी कंडेम किया? सिर्फ एक स्टेटमेंट जो लोकसभा में आई थी, जिसके एंड में भी उन्होंने ये कह दिया था, मेरी बात सुन ले, जिसके एंड में भी उन्होंने ये कह दिया था कि अगर कोई कुत्ता भी मरता है तो हमें उसकी तकलीफ होती है, तो मुसलमानों की बात थी तो उसने वाइंड अप यहां पे की कि कोई कुत्ता भी मरता है, जिसके ऊपर बड़ा बवाल हुआ था, उसके अलावा कोई स्टेटमेंट बताइए ना जरा, हमें भी समझ आए. पॉलिटिकल मैसेज आप किसी चीज को कैसे लेते हैं, साधारण सी बात है, आपसे अगर हम कहें कि यार वो इंसान मर गया तो आप स्वाभाविक है कि कह सकते भाई वो तो बहुत बड़ी बात है, इंसान है, एक बिल्ली भी मर जाए, एक कुत्ता भी मर जाए तब भी तकलीफ होती है. तो नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट बस यही था, आप उसको घुमा फिरा करके कह रहे हैं कि मुसलमानों को बड़ा क्लियर था, इसीलिए कांग्रेस ने बवाल किया, इसीलिए आपकी लोकसभा में बवाल खड़ा किया था कि भाई आपने पहली दफा मुसलमान की बात की है और उसके कुत्ते के साथ बात कर दी. जरदारी अगर इमरान खान के खिलाफ अल्फाज का चुनाव बड़ा मैटर करता. पॉलिटिकल स्टेटमेंट, देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर रिएक्शंस नहीं दिया जा सकता, आपको पता कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट पॉलिटिक्स के लिए ही है, तो कांग्रेस पार्टी क्या अच्छा, कर रही है? लास्ट मिनट से ये मान लिया, अच्छा ये डॉक्टर साहब इन्होंने मान लिया कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट सियासत जो है वो पाकिस्तान पे, मुसलमानों पे और सारी चीजों पे होती है, ये मान रहे हैं. हाँ, इनका और इनका तो मेरे ख्याल से वोट बैंक की उसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जितना वो एंटी पाकिस्तान बोलेगा, मुसलमान का वर्ड निकाल दे, बीजेपी का इलेक्शन में हार जाएगा वो बंदा, पता नहीं क्यों पाकिस्तान मंजर वोटर को इनके पसंद है, एंटी मुस्लिम जो ये मंजर बेचते हैं वो इनके वोटर को पसंद है. मुझे वोटर की साइकिल समझ नहीं आई. जब जब चुनाव आते हैं तब तब ऐसा होता है, ये बिल्कुल ख्याली पुलाव है. मुसलमानों से इतना मोह क्यों? चुनाव अच्छा नीरज, अच्छा मेरे पास आखिरी 3 से 4 मिनट है, शाह साहब मुझे जरा बता दीजिएगा, ये जो इनके नए जो आर्मी चीफ होंगे, क्या वो भी ये जुल्म और ये जो तशद्दुद है, जबर है, इसी का सिलसिला आगे जारी रखेंगे, प्रमोट करते चले जाएंगे? अच्छा, ये इंजीनियरिंग कोर से आ रहे हैं इनके नए आर्मी चीफ, और ये पहली दफा भारत में हो रहा है कि इंजीनियरिंग कोर से कोई चीफ बन रहा है. अच्छा, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन जो इतिहास है ना, जो पास्ट है इनका, वो नरेंद्र मोदी ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने अगला इलेक्शन पाकिस्तान पे ही लड़ना है, मुसलमान पे ही लड़ना है. ये जितना मर्जी डिनाई कर लें, इनके जितने इलेक्शन हुए हैं आप उठा के देख लें, इनकी स्पीचेस उठा के देख लें, अगर उसमें पाकिस्तान का वर्ड निकाल दें तो बीजेपी के लीडरों ने कौन से ऐसे भाषण दिए वो हमें समझा दें. मुसलमानों का लव जिहाद की बात दे दें, योगी आदित्यनाथ की ये बात कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ मुझे पता है कि ये इनको अंडर ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, ये फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तैयार कर रहे हैं, और उनका एक ही नारा है अखंड भारत. अखंड भारत का मतलब क्या है? अखंड भारत का मतलब सबको पता है. तो इसलिए ये जो बात की जा रही है ना कि अगले आर्मी चीफ के आने से पॉलिसी चेंज हो जाएगी, मुझे नहीं लगता ये बर्बरियत वैसे ही चलेगी कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में इनका आर्मी चीफ ही वहां पे आर्मी रूल कर रही है, और वैसे ही नहत्ते लोगों को मारा जाएगा, फेक इनकाउंटर्स होते रहेंगे. अगर इतने बड़े हैं, इलहान उमर आई है पाकिस्तान में, आप इजाजत दें, वीजा दें, वो वहां पर भी आए पाकिस्तान में, यहां पर डिप्लोमेट्स को लेके गया कश्मीर में, कहा ओपनली फिरें आप जिससे मर्जी बात करें, चेक करें, एक दफा ये फॉरेन डिप्लोमेट्स को लेके जाए और उनको ओपनली कर दें कि जाए भाई जिससे मर्जी बात करें. तो ये चीजें नजर आ रही हैं और इससे लग ऐसा रहा है कि ये पॉलिसी भारत की बर्बरियत वाली कंटिन्यू ही रहेगी. ठीक है जी, आपका लास्ट कमेंट नीरज. आतंकवादी चाहे पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो या हिंदुस्तान में, हम उसको मारेंगे. हम उन लोगों में से नहीं है कि एबटाबाद में किसी को जगह दे देते हैं ओसामा बिन लादेन की तरह. मत भूलिए कि आपने जगह दी जिंदा पकड़ा था अमेरिका के फौज ने ओसामा बिन लादेन को. जो अपनी आजादी के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि आतंकवादी जहां पे भी हो, इन्होंने कहा हिंदुस्तान में भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हो, चाहे वो सीएम ऑफिस में बैठे हो, उनको मारना चाहिए. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस बात में एग्री करते हैं कि चाहे वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में बैठे हो, उनको पकड़ना चाहिए जिनके ऊपर इतना गुजरात के बोचर का नाम आता रहा. अरे देखिए, आप अपने मन से किसी को भी आतंकवादी कह देंगे हम मान लेंगे, आप किसी को कह देंगे मान लेंगे, हमारी तरफ पॉलिसी और है, आपकी तरफ पॉलिसी और है. ओसामा बिन भाई बुरहान वानी की बात कर रहा हूं मैं, बुरहान वानी यहां पे फ्रीडम फाइटर था, रियाज नाइक को फ्रीडम फाइटर था, कश्मीर में सैयद अली गिलानी फ्रीडम फाइटर था, वहां पे अच्छा आपने क्या नाम ले दिया शासन में, सैयद अली गिलानी का तो जनाजा से डर गए थे ये लोग. ये हर बंदे के बुरहान वानी का जनाजा इन्होंने कैसे होने दिया, फिर भी कितने कश्मीरी निकले. अगर ये इतने ही है, 95 ईयर्स ओल्ड था सैयद अली शाह गिलानी,
95 साल तक वो इस देश की मिट्टी में रहा, इस देश की हवा में रहा, इस देश की रोटी खाई उसने। और आप उसको कैसे कहते हैं? उन्होंने आपका पासपोर्ट नहीं लिया, उसने पासपोर्ट नहीं लिया भारत का, उसने भारत को तस्लीम नहीं किया, उसके जनाजे से डर गए। और सारी जिंदगी उन्होंने कश्मीर के लिए जिद्दोजहद की है, वो फ्रीडम फाइटर्स जिनको आप आतंकवादी कहते हैं। आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रखा है, कश्मीर के कुछ हिस्से पर जिस पर आपने कब्जा कर रखा है। इंशाल्लाह मैं आपको एक बात बताऊं, जो नए आर्मी चीफ आ रहे हैं उनके रिजिम में हम उसको भी आजाद करवा लेंगे, डोंट वरी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब एक जवाब, एक क्या बता रहे हैं? अब मैं कमेंट कर दूं आपको, आप जो कह रहे हैं ना बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब, मेरे नीरज भाई एक बात जेहन में रखिएगा, ये रेड लाइन है। जिस दिन आप इधर आए ना मंदिरों में घंटियां बजेगी ना घास उगेगी, और ये बात जेन में रखिएगा। अभिनंदन के साथ तो जो हुआ था वो हो गया, आप लोग फिर हिस्ट्री में रहेंगे, आपको लोग किताबों में पढ़ाया करेंगे कि एक भारत था। अगर ये स्टेप आपने कभी सोचा भी, डोंट फॉरगेट सर बांग्लादेश, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर नेशंस, डोंट फॉरगेट बांग्लादेश आपके सामने। हाँ तो मुझे पता है ना, आपने मुक्ति बानी बनाई थी ना, आपने माना ना, आपने वॉर क्राइम्स किए ना, आपका वो प्रधानमंत्री जो ओपनली खड़े होकर कह रहा था वो वॉर क्राइम का कमेंट किया ना उसने, अब भूल जाइए, अब हम न्यूक्लियर पावर हैं, न्यूक्लियर पावर इसमें जरा ऐड कर लें कि हम आपको अच्छी तरह से सरप्राइज करेंगे, पता है ना हमें सरप्राइज करना आता है, आपको बहुत सरप्राइज करना आता है, बहुत अच्छा सरप्राइज देंगे आपको। आप अपने नारायण दीपू याद है ना आपको, कि जहाँ पे JF-70 थंडर आए थे, आपका आर्मी चीफ वहाँ पे उसकी कांपे टांग गई थी, याद है ना नारायण दीपू। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते पाक भारत टाकरा में नए मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ने के फिजा खलीफा के बारे में तो कहना है क्या, ये इतनी धूर्त और मकार है, 24 घंटे भारत के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा चलाती है, इतना प्रोपेगेंडा चलाती है। मुझे लगता है नींद में से उठने से पहले ये अल्लाह फल्ला करने की जगह है भारत मोदी के नाम की माला जपती है। और अब भारत के भारत के रॉ नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया भारत पर भारत मोदी, यानी भारत रॉ भारत ही मैंने बोला था पप्पा को बचपन में से गिराना मत। अगर इसके पूरे करियर को उठा के देख लिया जाए ना, तो इसने भारत और मोदी के सिवा कुछ नहीं किया। 80% ये भारत भारत भारत, कश्मीर मोदी, आरएसएस रो बस ये करती रहती है जी। बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो इस फिजा खलीफा के ऊपर आप भी एक जूता मार सकते हैं कमेंट करके, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि फिजा खलीफा कभी आके देखे तो उसके तन बदन में आग लग जाए। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।